दोस्तों, मुझसे बहुत से लोगों ने ये जानने की जिज्ञासा कर की है कि ये संसार जिन शक्तियों के बीच पर चल रहा है, इनको इजी लैंग्वेज में समझाऊं बताऊं। देखिए, ये सब बताने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन क्लिक करें, क्योंकि नौ शक्तियों के बारे में बता रहे हैं हम, एक वीडियो में बताना संभव नहीं होगा, तो मेरी आगे की वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी। हर इंसान के अंदर ही ये नौ शक्तियाँ पाई जाती हैं, क्योंकि हम मूर्ति पूजा के आदि हो चुके हैं, सो हम लोग इन चीज़ों को मूर्ति पूजा कर ली, क्योंकि हमारे बड़े बुजुर्ग बता गए हैं, इसलिए हम एक रूटीन वर्क की तरह इसे कर लेते हैं और इसे जानने की कोशिश भी नहीं करते कि असल में ये क्या चीज़ है। यहाँ मैं आपको इस चीज़ को क्लियर करती हूँ कि ये नौ शक्तियाँ हर इंसान के अपने अंदर हैं, और अगर हर इंसान अपने अंदर बैठी हुई इन नौ शक्तियों को जान ले और जान के उनका विकास कर ले, तो वो संसार को जीतने का समर्थ पा लेता है। आइए मैं उन नौ शक्तियों के बारे में जानकारी देती हूँ। यहाँ सबसे पहली शक्ति का वर्णन कर रही हूँ, ये सबसे पहली शक्ति है सहन शक्ति। जी हाँ, सहन शक्ति का मतलब है कि हमारे अंदर इतनी सहन करने की पावर हो कि मान लो कभी हमें कोई दुख आया है तो हम उस दुख को इतनी स्ट्रांगनेस से सहन कर जाएं कि अपनी बुद्धि का बैलेंस भी बना रहे, अपना मन भी कंट्रोल में रहे और हम उस दुख के पार जा सकें। जिसकी ये सहन शक्ति स्ट्रांग हो जाती है वो हर चीज़ में विजय पा लेता है, हर दुख में विजय पा लेता है, यहाँ दुख ही नहीं सुख में भी वो अपना मेंटली बैलेंस बनाए रखता है, क्योंकि दोनों सिचुएशन दिमागी संतुलन को हिला देता है। सो सहन शक्ति का स्ट्रांग होना हर इंसान के लिए एक बहुत बड़ी अपने आप को पावरफुल बना लेने की एक कोशिश रहती है। दूसरी शक्ति है परिवर्तन शक्ति, इसके बारे में मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी। धन्यवाद।